हेलो गाइस, वेलकम टू मेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं इसका। ये है एक्टिवा 125 BS6 मॉडल है इसका। तो अभी हम इसका रिव्यू करेंगे, पूरी डिटेल बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और सब कुछ। तो गाइज, अभी हम इसका 125 जो होंडा एक्टिवा है BS6 मॉडल, उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक आपको बटन मिलता है जो ऑन ऑफ के लिए है, किल स्विच जैसा काम करता है बट अलग है थोड़ा। तो ये एक सेल्फ वाला बटन है और यहाँ पे रेस के लिए आपको दे जाता है हैंडल। और इस तरफ आपको मिल जाता है एक स्विच जो कि लो बीम हाई बीम लाइट के लिए होता है, और हॉर्न का बटन है एक, और साथ में एक इंडिकेटर का बटन है जो कि ओल्ड टाइप पुराने ज़माने वाला, तो कुछ नया नहीं है इसमें। और मीटर इसका डिजिटल नहीं है, आप सामने देख पा रहे हो, तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस वजह से। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप अपनी की लगा सकते हो, तो मोस्टली जैसे सब में मिलता है यहाँ पे ऐसे आप इसको लॉक कर सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पे एक बटन देख रहे हो जो कि फ्यूल और सीट दोनों ओपन कर सकता है यहाँ से, ऊपर नीचे करके, और जब आपकी की लगी हो तभी। और सामने की तरफ एक यहाँ पे एक आपको डिक्की मिल जाती है छोटी सी, जिसमें आप अपना फ़ोन या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट सामान होता है वो रख सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे सीट की बात करें तो सीट भी ठीक ठाक है, काफ़ी चौड़ी सीट है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ठीक है। बस थोड़ा क्या कह सकते हैं आप, तो जैसा है वैसा ही है सेम। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख रहे हो, यहाँ पे एक हमें लेग गार्ड नहीं, ये फुट रेस्ट होता है, तो फुट रेस्ट यहाँ पे दिया। और यहाँ पे एक किक है, और ये इंजन तो ठीक ठाक है। एंड अभी पीछे की तरफ से आपको व्यू दिखाता हूँ, तो पीछे की तरफ से व्यू कुछ इस तरह का है, थोड़ा अच्छा सा लुक है इसमें, बट गार्ड्स लगने की वजह से थोड़ा लुक अलग ही दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको यहाँ पे पीछे दिखा रहा हूँ, तो पीछे भी यहाँ पे लाइट्स हैं जो, तो अच्छी खासी हैं लाइट्स, और इंडिकेटर है यहाँ पर, और एक पेट्रोल का जो टैंक है वो दिया गया है। और यहाँ पर पीछे भी ये लिखा हुआ है एक्टिवा 125, और ये लाइट है इसकी, तो ठीक है। जब ब्रेक आप यूज़ करते हो तो हाई हो जाती है, देख रहे हो, तो इंडिकेटर यहाँ पे और दूसरी साइड से भी देख रहे हो आप किस तरह का है इसका सब कुछ। और अभी जो फ्यूल है इसका, फ्यूल की कैपेसिटी इसकी 5.3 लीटर है, और जो इसकी माइलेज है वो 50 किलोमीटर पर आ जाती है। और डिक्की का दिखाता हूँ आपको सीट खोल के मैं, तो सीट खोलते हैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अंदर से क्या है। तो अंदर काफ़ी स्पेस है इसमें, तो आप देख रहे हो कि हेलमेट तक आ जाती है, और भी कुछ भी रख सकते हैं इसमें। बाकी स्कूटी में मैंने इतनी स्पेस नहीं देखी है, तो स्पेस की वजह से मैं थम्स अप दूंगा इसको। और बढ़ेंगे अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मैं आपको अभी यहाँ से दिखाता हूँ जो बटन है जिसको हम प्रेस करके, देखिए इस तरह से हम इसका टैंक जो ओपन कर सकते हैं, और अच्छा रहता है ये। और नीचे इस तरफ आप देख रहे हो एक फ़ैन लगा हुआ है जो कि इंजन को कूल करने के काम आता है, तो इसी तरह के जो होते हैं वो सब में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक साइलेंसर है इसका जो कि थोड़ा बड़ा है, और ठीक ही है, बस इसके नीचे जो स्पेस है वो बहुत कम है। और ये टायर है जो, और अभी बात कर रहे हैं टायर की, तो टायर जो इसका पीछे वाला है उसका साइज़ है 90x100 का है, 90x100 का, तो ठीक है, मतलब कि इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत कम इसकी मोटाई है, और अलॉय भी अच्छे हैं। और यहाँ पे फ्रंट पे जो जगह है यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, और ये दो लॉक दिए हुए हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इस पर आप कुछ भी टांग सकते हो, तो कभी कभार ये भी काम में आ जाते हैं, तो अच्छा है। उसके बाद फ्रंट पे आपको ये ऐसा व्यू मिलता है, और ये है फ्रंट का व्हील, और फ्रंट का जो व्हील है उसका जो टायर है, टायर का साइज़ है 90x90, 90x90 का जो टायर है इसका, तो मतलब कि 10 इंच का है। तो यहाँ पे इसकी डिस्क ब्रेक है आगे की तरफ, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक है, और जो इसकी डिस्क ब्रेक है उसका जो साइज़ है वो है 190 mm का है, तो लगभग 190 mm की आपको ब्रेक मिल जाती है। और यहाँ पे है कुछ इसकी लाइट्स जो कि दिखा रहे हैं आपको, तो ये फ्रंट वाली लाइट है जो हेड लाइट है इसकी, अच्छी है, डिज़ाइन भी अच्छा है, थोड़ा इसमें बहुत ही अच्छा सा टेक्स्चर आ रहा है। अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको किस तरह की लाइट है। तो इस तरह से हाई बीम लो बीम जो भी इसमें मिलेंगी आपको,
और यहाँ पे नीचे भी आपको लाइट्स मिल जाती हैं, और जहाँ पे इंडिकेटर भी मिले हैं साथ में, दोनों एक पास पास हैं तो अच्छे हैं। DRL लाइट्स हैं इसमें भी, तो लाइट भी अच्छी खासी है इसकी। अब बात मैं आपको पीछे जो ब्रेक है, जिसकी ड्रम ब्रेक है, और जो नीचे इसका साइज़ अब बहुत कम है। रियली डिसपॉइंट हूँ इस तो बात से मैं। इतना ज़्यादा कम स्पेस है नीचे की तरफ, तो इजीली कहीं भी टच कर सकती है ये। स्पीड ब्रेकर तो नहीं, बट खड्डे वगैरह जो होते हैं वहाँ पे ज़रूर बजेगी। तो ये है एक्टिवा 125 VS6 मॉडल, और इसका जो प्राइस है वो प्राइस है इसका 87 ऑन रोड और 77 शोरूम प्राइस है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक राइड टेस्ट, स्पीड टेस्ट, जो भी सब कुछ दिखाऊँ। यहाँ सीन बन रहा था। अभी इसका एक स्पीड टेस्ट करूंगा मैं। तो ये था डिटेल रिव्यू इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और रोड भी अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो कमेंट ज़रूर करें, और भी लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।